प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2025 में होगा, उससे पहले सेंटअप एग्जाम होगा 2024 में, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम आपका स्कूल स्तर पर होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। विषय कोड 101 रहेगा, सेट कोड आपका जो है ना एड आने वाला है। और मैं बता दूँ, इस वीडियो में हम लोग आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें बहुत सारा टाइप रहता है, तो उस टाइप से हम आपको बताएंगे, आंसर भी बताएंगे, और इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये सारा चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आइए, ऑब्जेक्टिव का आंसर हम पहले बता देते हैं, तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देखेंगे ये डांस वगैरह है, तो इसको मैं ना टाइप कर दिया हूं, आंसर और जो है ना क्वेश्चन प्लस में आंसर में टाइप कर दिया हूं। तो मैं आपको जो है ना प्यारे बच्चों, इसका चलिए फटाफट से आंसर और सब चीज समझाते हुए आपको आंसर हम बताएंगे। तो चलिए आगे, तो चलिए यहाँ से अच्छे से देखिए, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो मिलेगा, उसमें आपको निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पद करके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। दो नंबर वाला ये होगा, जैसे कि 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे ना तो 10 नंबर मिलेगा। इस टाइप से, तो देखो गद्यांश जो दिया गया, मतलब कि ये पंक्ति दिया गया है, आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। इसको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको नीचे ये दिया गया है, इसका आंसर देने को। तो मैं आंसर के साथ यहाँ पर टाइप सारा कुछ कर दूँ, क्वेश्चन आंसर। तो आपको लिखना कहाँ से, तो लिखना ये है, जैसे कि पहला नंबर दे करके, जैसे कि यहाँ पर पहला और आंसर इस प्रकार से लिखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग दिए। तो आपको इस टाइप से नहीं लिखना, मात्र इतना लिखना है, पहला नंबर देना है, पहला नंबर देकर के इस प्रकार से पॉइंट पहला, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशीलता क्या है, तो याद रखिएगा आत्मनिर्भरता की प्रगति प्रगति की आधारशिला है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि 19 जो ना उन्नति की दौड़ में सबसे पहले आगे कौन रहता है, तो देखिए जो व्यक्ति समाज में अपने सारे जो ना कार्य स्वयं करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति की दौड़ जो है ना दौड़ में आगे रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 2-3 नंबर की, कौन व्यक्ति पिछड़ा जाता है, तो देखिए अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर होने रहने वाला व्यक्ति पिछड़ा जाता है। चौथा है कि सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है, तो देखो स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जो आंसर लिखा गया ना, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो आप नंबर देकर के आंसर लिख दोगे, जैसे कि 5 का आंसर आप लिख दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से लिख देना। चलो जैसे कि देखो, उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है, तो देखिए आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति की के शिखर पर पहुंच जाता है। अब दूसरा भी पॉइंट है, तो दूसरा भी यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये इसमें भी सेम हुआ, गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक गद्यांश है, 1 नंबर का गद्यांश का हम लोग उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा, आपको 2 नंबर भी मिलेगा, 2 ऑप्शन देता है, क ब, ठीक है। तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, आप इतना ही लिखिएगा। आंसर कैसे लिख पाइएगा, तो जैसे कि दूसरा, जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 2 नंबर दोगे इस प्रकार से, 2 नंबर फिर आप लोग दोगे क का, फिर यहां पर दोगे जैसे ये पहला है ना, पहला का इस टाइप से आंसर, और इस टाइप से लिख करके ये पूरा का पूरा लिखोगे। दूसरा का देना है तो डायरेक्ट 2 नंबर ही लिख दोगे, फिर चलेगा, क्योंकि ये पहले दर्शन आपको होगा, तब ना एग्जामिनर को पता चलेगा कैसे आंसर लिखना है ना। तो इस टाइप से ध्यान रखना। चलो यहां पर देखो क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा को हम लोग किस प्रकार किस नाम से जानते हैं, तो देखो बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं ना, यानी कि छोटी शिक्षा, स्टार्टिंग का प्रारंभिक शिक्षा। चलो दूसरा कि बुनियादी शिक्षा का क्या तात्पर्य है, तो देखो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली है जो जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तलिपों का जो ना प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हुए करते हुए बालकों के शारीरिक मानसिक नैतिक सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो 3 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा की का आंदोलन किसने शुरू किया, तो देखो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत होता है, तो देखिए बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। और 5वां है बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें कौन है, तो बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें इस प्रकार है, जिससे कि आप यहां पर लिख देंगे। इस प्रकार से मैं आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आंसर भी दिखा रहा हूं, तो आप लिखते चलेंगे। जैसे कि लिख देंगे पहला, कौन नंबर में देकर के, कि शिक्षा के में उत्पादक कार्यलाप अर्थात ऐसा कोई विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ जो ना कमाई करने योग बन सके। अगला कौन नंबर का लिखिएगा कि पाठचर्या का उत्पादक कार्यलापों और भौतिक और तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध है। अगला लिख दीजिएगा कि स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध है। तो देखो अगर आप लोग अभी नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं इसका आंसर आपको जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा गूगल में। गूगल में आप लोग जाकर के मिथुन स्टडीज
सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाएगा। कैसे करना मैं आपको सिखा देता हूँ, अभी आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। अभी फिर मैं आपको कंटिन्यू आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप बाद में जाकर के उसको डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको क्या करना, ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पर आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आएगा। इस प्रकार से आप लोग आइएगा ना नीचे, तो देखिएगा क्लास टेंथ का आपको यहाँ पर सेशन दिख रहा होगा। अभी देखो ये नहीं दिख रहा आपको, कैसे करना है, एक बार पेज को नीचे की ओर खींच देना है, आप रिफ्रेश कर दीजिएगा एक बार, तो आपको सारा चीज अपडेट यहाँ पर हो जाएगा, आप क्योंकि अपडेट किए थे हम कुछ देर पहले, इसलिए। चलो नीचे आएगा तो देखो टेंथ के सेशन में फिर जाएगा, तो देखो यहाँ पर सारा चीज अपडेट हो गया है, जैसे कि क्लास टेंथ का पूरा सेशन है। फर्स्ट में क्लास टेंथ सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24 बिहार बोर्ड, तो ये फर्स्ट वाला पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी होगा तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर आपको नीचे बटन है, पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप, सामने ज्वाइन नाउ लिखा है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, इधर पेपर का नेम आपको मिल जाएगा, इधर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस मैथ इंग्लिश मैथ उर्दू नॉन हिंदी। फिलहाल आपको हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप जब भी आएगा तो यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, ताकि सब्जेक्ट का आंसर जैसे ही अपडेट किया जाएगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव की। तो देखो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना, तो हम 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर के दे दिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अभी सर आपको नहीं दिख रहा होगा, पेज वगैरह को रिफ्रेश करना दिख जाएगा, और लॉन्ग आंसर आपको जो है ना फिलहाल यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके यहाँ से अच्छे अच्छे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से है, आप यहाँ पर क्वा का देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे क्वेश्चन का उत्तर देगा, ये ख नंबर है, ख नंबर का नहीं भी लिखेगा ना तो चलेगा, क्योंकि आठवा वाला का आंसर भी यहाँ पर दे दिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जो कि 10 नंबर वाला सीधे होगा। तो निबंध वगैरह जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला पूछा कि समय का क्या महत्व, तो समय पर महत्व के बारे में इसका भूमिका लिखना है, समय के सदुपयोग के सदुपयोग से लाभ लिखना है, समय के दुरुपयोग से हानि, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सारा चीज लिखना है, ठीक है। आंसर भी देंगे एक का, जैसे कि छात्र और अनुशासन, तो इसमें भी भूमिका लिखना है, उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। और देख लो यहाँ पर गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस के बारे में भूमिका, गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है, ठीक है, और उस प्रकार से लिखेगा। अब आगे आपका हो जाता है कि जो ना स्वावलंबनम, तो इस प्रकार से इस पर भी लिखना है, सूखा होगा यानी कि आकार जैसे कहते हैं, इस पर लिखना है। तो हम लोग देखो यहाँ पर जो है ना ख नंबर का उत्तर दिए, जो कि आपका हो जाता है क्या, तो छात्र एवं अनुशासन, एवं अनुशासन, तो इस प्रकार से लिखना। तो देखो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिए, आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। देखो पहले भूमिका लिखना है, भूमिका में लिखना है कि जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विदा और अनुशासन दोनों आवश्यक है, अनुशासन भी एक प्रकार की विदा है, अपनी दिनचर्या को जो है ना, अपने बोल चाल को, अपने रहन सहन को, अपने सोच विचार को, अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन होता है। आगे देखिएगा छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, तो विद्यार्थी के लिए अनुशासन होना परम आवश्यक है, अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार की लाभ होती है, अनुशासन अर्थात निश्चित अवस्था से और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली, उसका समय व्यर्थ नहीं जाता, वह अपने एक एक क्षण की जो ना समुचित उपयोग उठाता है, वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है तथा अध्ययन भी पूरा कर लेता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र आज का काम कल का काम परसों पताल करके मुसीबत इकट्ठा कर लेता है। आगे चलिए और विषय में आपको लिखना होगा अनुशासनहीनता के कारण, देखिए आज भारत के जीवन में के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है। आज का विद्यार्थी जो ना साज श्रृंगार सुख आराम की इच्छा कर रखता है। दूसरी बात, माता पिता द्वारा अच्छी तरह अध्ययन नहीं देना, खराब संगत में वो चले जाते हैं। चलिए आगे लिखिएगा जो ना सुधार के उपाय, तो देखिए अनुशासन का गुण बचपन से ही ग्रहण किया जाना चाहिए, इसीलिए इसका संबंध छात्र से है। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही बात है। देखिए यही कारण है कि अच्छे अनुशासन विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमारी जो ना हौज पौज जिंदगी में को साफ और सुलझी हुई व्यवस्था कर देता है। इसके कारण हमारी शक्तियां केंद्रित होती है, हमारा जीवन जो ना उद्देश्यपूर्ण
बनता है और तथा हम थोड़े समय में ही बहुत काम कर पाते हैं। चलिए और इसी में लास्ट में लिखना होगा कि उपसंहार यानी इसका क्या निष्कर्ष निकला था कि अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, इसका अर्थ व्यवस्था, इसका अनुकरण जो अनुकरण करके जीवन में सफल हुआ जा सकता है। आगे देखिए अगला है आपका चार नंबर में कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय के पुस्तक हेतु भीमराव अम्बेडकर लिखित पुस्तक है तो मंगवाने के लिए आपको लिखना है 5 मार्क्स वाला होगा। आठवां में भी दिया है, आठवां में भी जैसे कि दिया है मद निषेध के परिणाम पर दो मित्रों के बीच में संवाद लिखना है। तो मैं फिलहाल ऊपर वाला का आंसर दे दिया हूँ, जैसे कि लिखना आवेदन पत्र लिखेगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सर गणेश दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना, तो ये आपको काट करके अपने स्कूल का नाम दे देना है, ठीक है, जिला का भी नाम देना है। विषय लिखना कि विद्यालय है तो भीमराव अम्बेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में, और आपको यहाँ पर लिखना है महाशय, इसमें लिखना है कि विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय में 10 का छात्र हूँ मैं, हाजीपुर, तो आप जिस भी जिला से होंगे काट करके अपना जिला का नाम लिख देना, हाजीपुर का छात्र हूँ, वहाँ से प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं है, अतः श्रीमान से निवेदन आग्रह है कि विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अम्बेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने की कृपा करें, इस कृपा के लिए मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूँगा। आज पर आपको 100 धन्यवाद लिखना है। जो डेट होगा जैसे कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वैसे कि आपका एग्जाम जो होगा ना 19 को होगा, तो 19/11/2024 आप लोग डेट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपका गृह कार्य साथ आपका जो भी नाम है ये काट करके इसी को आपको अपना छात्र दे मतलब नाम दे देना, मतलब कि आपका नाम देना है। कक्षा में आपका जो रोल नंबर होगा, रोल नंबर यहाँ सी के स्थान पर, मतलब कि सी जो है कई बच्चों का होता है ना कि सेशन ए में है, सेशन बी में क्लास होता है, तो जो भी होगा काट देना, नहीं तो अगर नहीं होगा डायरेक्ट 10th होगा तो 10th लिख देना। क्रमांक जो का काट करके आप अपना क्रमांक लिख देना। चलो 5 नंबर की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या बोला कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, ये इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 2 मार्क्स मिला, 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन और आंसर सारा समझाते चल रहा हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन होगा कि विश्व के दास शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को लिखे। तो उत्तर होगा कि सेन साहब के घर में 5 लड़कियां और 1 लड़का, कहने को सभी सेन साहब की संतान है किंतु लड़कियों और लड़कों के सहन रहन शिक्षा लाड प्यार में जो ना लिंग जनित बहुत विषमताएं हैं, लड़कियों को अलग जो ना तालीम शिक्षा बोलना चलना सिखाया गया है किंतु खोखा के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है, लड़कियां जोर से हंस नहीं सकती है, किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, शाम का वक्त छोड़कर कभी खेत में नहीं कभी खेलती भी नहीं, जबकि खोखा इन सब का अपवाद है। सेन साहब का कहना है कि इंजीनियर बनेगा इसलिए अभी से ठोक ठाक करना जरूरी है, इस तरह बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में जोड़ और किनके लिए लेखक मैक्स मुलर ने महत्वपूर्ण बतलाया। तो देखो उत्तर होगा कि अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून में कानून के पुरातन रूप के उनके महत्व और विशिष्टता के ज्ञान पाने वालों के लिए एक लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है, यह ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक गुणाकार मुड़े ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो देखो उत्तर होगा कि लेखक ने संस्कृत प्राकृतिक गुजराती बांग्ली और ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है, नागरी या नंदी नागरी भी देवनागरी की समान होता है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 4 की संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। देखिए बिरजू महाराज का आवास जो ना दरियागंज में था, से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़ करके संगीत भारतीय जाना होता था। देखिए वहाँ प्रदर्शन का अवसर कम मिला फिर भी हारिज रहना पड़ता था। चलिए आगे देखिए 5 नंबर का जो आंसर होगा तो इसमें होगा कि कवि रेनन मारिया लिख के किसको कैसा सुख देते हैं मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के आधार पर आपको समझाना होगा। तो उत्तर हो जाएगा कि कवि अपने कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि
को सुख प्रदान करता है। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोड में जो ना सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो है ना, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूँ, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा, ठीक है, देखते चलो। और ये 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर, इसका आंसर ये रहा। इसमें थोड़ा और उसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो उसका थोड़ा और ये आंसर हो जाएगा, और आगे देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा। वैसे आपको 15 क्वेश्चन बनाना है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, देख लो, ये आपका 9 नंबर और इसका आंसर रहा, ये रहा 10 नंबर, उसका आंसर ये रहा। आगे आप लोग देखेंगे ना, तो अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो आता है, इसमें आपको किन्हीं जो है ना, किन्हीं एक प्रश्नों का जवाब देना होगा, 100 शब्दों में लिखना होगा, 5 मार्क्स वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये पंक्ति दी है, व्याख्या करना, अगर बाल्टीन बड़ी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती, तो इसका आपको आंसर देना होगा। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से उद्धत है। इसमें लेखक ने उछल कर मछली के भागने के बारे में अपना अनुभव प्रकट किया है। इस प्रकार से इसको भी लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे बात करेंगे, 2 नंबर का है तो हम दूसरा का भी आंसर दे दें, बट ऊपर वाला का ही लिखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आपको हिंदी का जो सब्जेक्टिव था उसका मैंने बता दिया। बच्चा आपका कौन कौन सा, जो भी बच्चा सारे सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके रखिए। इसके अलावा जो है ना, आप इसका PDF जाकर के गूगल से मिटून स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।